नमस्कार, मैं हूं शिल्पी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक सोच। बीजेपी राज में किसानों की दुर्दशा का ये वीडियो देखिए। आज 15 दिन से यार बोली महान लाल इस बेचारे किसान ने अपनी ही फसल में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। इस किसान ने ऐसा क्यों किया ये भी बताएंगे, लेकिन अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। दोस्तों, इस बेचारे किसान का नाम सुबोध सिंह है। ये मामला लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी मंडी का है और ये बेचारा किसान पिछले 14 दिन से मंडी का लगातार चक्कर लगा रहा था, लेकिन मंडी के अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की तो बेचारे किसान ने थक हार कर परेशान होकर अपनी फसल को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। दोस्तों, मंडी में दलालों का ही बोलबाला है, जिस वजह से उस बेचारे किसान का धान 14 दिन से लगातार चक्कर लगाने के बाद भी नहीं बिक पाया। किसान को इतना परेशान होकर देखकर अखिलेश यादव ने उस बेचारे किसान का वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए कहते हैं, नहीं चाहिए भाजपा। दोस्तों, आप बताइए कि क्या यही है अच्छे दिन? किसानों को इस तरह देखकर तो कुछ लोगों ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी तहसील में किसान ने अपनी फसल धान को आग लगाने की कोशिश की। मंडी में उनका धान 15 दिन से नहीं बिक रहा था। किसानों को अपना धान बेचने के लिए मंडियों में धक्के खाने पड़ रहे हैं। क्या यही है रामराज? क्या यही है अच्छे दिन? सरकार किसानों की आय दोगुनी करने आई थी। किसानों की आय दोगुनी तो नहीं कर पाई, लेकिन किसानों की आय को खत्म करने का काम जरूर कर दिया। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम जय भारत।